यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर वृंदावन नगर के सभी बैंक कर्मी जैसे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, केनरा बैंक इत्यादि बैंकों के कर्मचारी अधिकारी ने आज यहाँ प्रदर्शन किया है। हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि जो हमारा पेंशन वेतन समझौता 2017 से लागू होना है, अभी तक लागू नहीं हुआ है, 1.5 साल हो गए हम लोगों को वार्ता करते करते। सरकार जो है सामान्य तरीके से उस समझौते को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है वो वेतन समझौता सम्मानजनक तरीके से और नवंबर 2017 से शीघ्र लागू किया जाए। पेंशन का हमारा रिवीजन, जो हमारे पेंशन भाई है, जो हमारे पेंशनर है बैंक के, उनका पेंशन का रिवीजन बहुत सालों से नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी हम लोगों को उनको बहुत परेशानी आ रही है, उनको अपने जीवन यापन करने में परेशानी आ रही है, इतनी कम पेंशन उनको मिलती है। हमारी मांग है उनका परीक्षण शीघ्र किया जाए, बैंकों में भर्ती की जाए, औद्योगिक घरानों पे जो बैंकों का बकाया है जिसकी वजह से आज बैंकों को नुकसान में दिखाया जाता है और बैंक कर्मियों को उनका जो बढ़ा हुआ वेतन है नहीं दिया जा रहा है, उस बहाने से हमारी डिमांड है कि उनसे जो है शीघ्र वसूली की जाए, जिससे कि जो है बैंक कर्मियों का वेतन समझौता सम्मानजनक पूर्वक लागू हो सके। हड़ताल हमारी 26 तारीख को एक दिन की है, अब हम डिसीजन ले चुके हैं कि अगर ये इस हड़ताल के बावजूद भी सरकार नहीं चेती तो हमको मजबूरी में इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा।